हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स चौथा पार्ट है बेटा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जीएस 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा सोहने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद विच अमंग द फॉलोइंग टॉपिक्स ओके तो देखो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से किसी ने अगर पॉलिटी पढ़ी है है ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है मुश्किल क्वेश्चन की डेफिनेशन मैं इसको नहीं रखूँगा सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंदिरा सोने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया किससे डील करता है ऑप्शन ए रिजर्वेशन फॉर ओ बी सीज ऑप्शन बी रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी ऑप्शन सी रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑप्शन डी रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ये जो इंदिरा सोने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है इसको मंडल टू केस भी बोलते हैं है ना मंडल केस भी बोलते हैं इसको बेसिकली एंड किस चीज़ से रिलेटेड है बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन से रिलेटेड है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सो मंडल केस या इंद्रा सोने वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस नाइनटीन इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन में था आर्टिकल सिक्सटीन फोर जो बेसिकली रिजर्वेशन की बात करता है फॉर जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज उससे रिलेटेड ये सारे का सारा केस था सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनालाइज़ uh, किया और कोर्ट ने बेसिकली uh, उस टाइम तो सरकार ने बोला कि, कि हम ना जो पुअरर सेक्शन है ना हायर कास्ट का ज, 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 जैसे आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अब रिजर्वेशन मिलता है तो 1992 में भी सरकार ने ये बोला था कि हम करेंगे तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है कोर्ट ने कहा कि देखो सत्ताईस तक रिजर्वेशन दे सकते हो आप ओ को ठीक है सत्ताईस मतलब कि टोटल जो जॉब्स uh, हैं उसमें से आप सत्ताईस तक बैकवर्ड uh, क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हो लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कंडीशन हैं तो क्या कंडीशन सेट की गई पहली कंडीशन इन्होंने बोली कि ऐसी ओबीसी सेक्शंस बेसिकली क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर जो है सजेस्ट किया कि हु हैव एडवास्ड थ्रू एंड हु कैन नॉट बी कैटेगराइज एज द बैकवर्ड कम्युनिटी नाउ उसको आप लिस्ट ऑफ़ बेनिफिशरीज से हटा दो हु आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ हु आर सोशली वेल ऑफ उनको आप रिजर्वेशन uh, के बेनिफिट से बाहर कर दीजिए दूसरा इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल जॉब के अंदर होगी प्रमोशन के अंदर किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं होगी ओनली फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन कंटिन्यू फॉर फाइव ईयर्स ओनली अगर किसी जगह पर किसी एरिया में या किसी जॉब में प्रमोशन्स uh, के अंदर भी रिजर्वेशन चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ पाँच साल तक उसको कंटिन्यू कर सकते हो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पॉइंट्स थे मंडल uh, केस के अंदर सरका इसके अंदर ये भी इन्होंने बोला कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो पचास परसेंट से एक नहीं होनी चाहिए ठीक है पचास परसेंट यानी कि टोटल रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन भी आगी एस सी रिजर्वेशन भी आगी एस टी रिजर्वेशन भी आ गई यानी कि अगर सौ नौकरियाँ हैं तो रिज़र्वेशन मैक्सिमम पचास के लिए होनी चाहिए उससे ज़्यादा के लिए प, रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए और ये रूल हर साल अप्लाई होगा ऐसा नहीं है कि आप बैकवर्ड सीट्स दिखा करके रिजर्वेशन को 50 से ज़्यादा क्रॉस कर दो नहीं हर साल के लिए 50 होना चाहिए द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड और बैकलोड इज वैलिड बट इट शुड नॉट वी परसेंट रूल ठीक है फिफ्टी परसेंट रूल किसी भी हालात में वायलेट नहीं होगा परमानेंट स्टेटूटरी बॉडी जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा जो कम्प्लेन्ट्स वगैरह एग्जामिन करेगा रिलेटेड टू ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओ बी सी ओवर इंक्लूजन यानी कि यार ये लोगों को आपने बिना बात के इंक्लूड किया हुआ है दे आर नाउ वेल ऑफ कम्युनिटी दे आर नॉट बैकवर्ड और अंडर इंक्लूजन के अंदर वो होगा कि जो कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड नहीं है उसके लिए एक प्रॉपर एक स्टैटूटरी बॉडी थ्रू द इफेक्ट ऑफ पार्लियामेंटली पार्लियामेंट्री लॉ वो स्टैब्लिश किया जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए लिस्ट गिवन है अपने को अपने को लिस्ट किस चीज़ की गिवन है पंचायती राज कमिटीज गिवन है एक तरफ और दूसरी तरफ अपने को ईयर ऑफ फॉर्मेशन गिवन है ठीक है तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मैच करना है इसको तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूँ इसका आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या कहता है कि आ, आपका जो सी एच हनुमंता कमेटी है ये कब फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ है आपका 1984 के अंदर ठीक है दिस वाज इन 1984 उसके बाद सी वी के आपका हुआ है इन 1985 अशोक मेहता कमेटी आपका जो फॉर्म हुआ है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1978 ये सबसे फेमस है और मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये वाला ईयर पता हो बाकी के ईयर पता हो ना पता हूँ ठीक है और मैं आपको एक बात बता दूं अगर किसी को ये अशोक मेहता वाला पता था ना अगर किसी को भी ये अशोक मेहता वाला पता था तो वो बड़ा इजीली इसका आंसर जो है वो कर सकता था मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इजीली इसका आंसर आप कर सकते थे ठीक है क्योंकि देखो अगर थ्री का वन आपको पता है थ्री का वन आपको पता है तो सी और डी तो वैसे एलिमिनेट हो गया सी और डी वैसे एलिमिनेट हो गया ठीक है और ए और बी बचा ए और बी में थ्री का वन है आपको पता है फोर का थ्री है ये भी आपको पता है क्योंकि दोनों में सेम है तो फोर का थ्री है ये भी आपको पता है अब बस आपको सी के और सी एच हनुमंता में से थोड़ा सा आइडिया होता तो आप इजीली आंसर कर देते हैं इसका ठीक है लेकिन 1984 और 1986, uh, 1984 और 1985 काफी क्लोज है तो वहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा बच्चे को हो सकता था तो अगर आप कमिटीज़ देखो मैंने यहाँ पर ईयर्स मेंशन किए हैं बलवंत राय मेहता कमेटी नाइनटीन अशोक मेहता नाइनटीन सेवनटी में रिपोर्ट दिया जी राव कमेटी नाइनटीन हनुमंता राव कमेटी 1984, एलएम सिंघवी कमेटी 1986, एटी कमेटी 1988 एंड गाडगिल कमेटी 1988 ठीक है ये दोनों कमेटीज़ 1988 ऐटी की हैं तो ये ईयर थोड़े से ध्यान में रख लीजिएगा एंड इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है वैसे ये क्वेश्चन बताऊँ ये क्वेश्चन एक थोड़ा गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि एक एंगल से ये चारों कमिटीज़ कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की है इन्होंने बट हालात को देखते हुए एक होता है डायरेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट कि डायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए ही बना है और दूसरी होती है कि यार बनी किसी और पर्पज़ के लिए थी लेकिन उसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी कवर किया ठीक है अब आपकी जो यहाँ पर तीन कमिटीज़ है ना ए बी और सी ये डायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डील करती हैं एन एन वोरा कमेटी जो है वो डायरेक्टली डील नहीं करती ये बेसिकली नेक्सस जो होता है ना पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स के नेक्सस के लिए ये कमेटी बनाई गई थी 1992 में जब आपके बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट हुए थे ना उसके बाद ये कमेटी बनाई गई थी एन एन वोरा कमेटी तो इसने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया था लेकिन डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है तो कहीं पर अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एनएन बोरा कमेटी को भी मेंशन किया हुआ है इसीलिए बच्चे पेपर के अंदर कंफ्यूज हो गए थे और बहुत सारे बच्चों को तारकुंडे कमेटी के बारे में पता नहीं था तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर तारकुंडे कमेटी लगाए थे बट इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी तो ये कमेटी रिलेटेड है एग्रीकल्चर रिफॉर्म से सबसे पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉज बनी थी 1971-72 में तारकुंडे कमेटी बनी थी 1974 में इसको जेपी नारायण कमेटी भी कहते हैं क्योंकि जेपी नारायण ने एक कमेटी बनाई थी ये एक अनऑफिशियल कमेटी थी सरकारी कमेटी नहीं थी ठीक है इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से डायरेक्टली एसोसिएटेड थी दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990 में बनी क्रोनोलॉजी भी थोड़ी सी याद रख लीजिएगा 1975 जैसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन उसने पंचायती राज कमेटी का पूछ लिया ठीक है 2017 में तो डेफिनेटली वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली जो कमिटीज हैं उनका भी पूछ सकता है ना कि कौन सी कमेटी कौन से ईयर के अंदर बनी थी कमेटी अब देखो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की लेकिन डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है बेसिकली बनी किस लिए थी क्राइम एंड पॉलिटिक्स के नेक्सस को स्टडी करने के लिए और इसी वजह से हमारा आंसर है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन आई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस से रिलेटेड कि अभी जो पार्टियाँ पैसा खर्च करती हैं उसकी जगह स्टेट अगर पैसा दे हर पॉलिटिकल पार्टी को तो इलीगल मनी का जो सिस्टम है वो खत्म किया जा सकता है फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई वन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम एन वेंकटाचल्या जो जिसको लीड कर रहे थे इन्होंने भी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सजेस्ट किए फिर इलेक्शन कमीशन की एक और रिपोर्ट आई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 2004 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की जो एथिक्स इन गवर्नेंस की रिपोर्ट थी विच वाज हेडेड बाय विरप्पा मोइली तंखा कमेटी कोर कमेटी 2010 में अपॉइंट की गई थी कि कैसे इलेक्शन लॉज और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इंडिया में रिफॉर्म किया जा सकता है जे वर्मा कमेटी ये क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट्स थी तो इसमें भी कहीं ना कहीं लेकिन ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं थी अगेन लॉ कमीशन इलेक्टोरल डिस्कालीफिकेशन के ऊपर डायरेक्टली एसोसिएटेड और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू फिफ्टी फिफ्थ रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगेन डायरेक्टली एसोसिएटेड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया अच्छा क्वेश्चन खा गया क्या मैं क्वेश्चन स्लाइड में से डिलीट कर दिया क्या लगता है गलती से चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा धर्मशाला कैपिटलिज्म के ऊपर क्वेश्चन था और जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ द क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू कि धर्मशाला कैपिटलिज्म का जो टर्म है ये किसने कॉइन किया ये क्वेश्चन था ठीक है वो क्वेश्चन का स्लाइड किसी तरीके से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया बट हाल फिलहाल धर्मशाला कैपिटलिज्म ये एक टर्म है जो प्रोफेसर राज प्रोफेसर राजकृष्णा राज ने दिया था इंडियन इकोनॉमिस्ट है नाइनटीन में दिया था ठीक है और धर्मशाला कैपिटलिज्म और एक दूसरा टर्म दिया था इन्होंने हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ ठीक है तो बेसिकली 1978 में ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इन्होंने जो टर्म दिया था ये बेसिकली स्लो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए था कि कैसे जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कंट्री की ग्रोथ को स्लो डाउन करती हैं and the term came into being to show India's contentment with low growth rate post independence okay next next question क्वेश्चन था आपका interim government ke के ऊपर नाइनटीन की इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले हर क्वेश्चन में ये देख लेना मार्क कर लेना पहले कि आपसे करेक्ट पूछा गया या नॉट करेक्ट अब अपने से नॉट करेक्ट पूछा गया पहला स्टेटमेंट कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे या हेड थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के देखो तब तो वाइसरॉय था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर है ना वाइस रॉय कंटिन्यू बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखो अभी प्राइम मिनिस्टर टाइप इंडिया का नहीं बना था अभी भी वॉइस रॉय सिस्टम ही था और वॉइस रॉय ही, ही हेड था तो वॉइस रॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब अगर वॉइस रॉय हेड था तो जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू तो उस टाइम पर वॉइस रॉय नहीं थे जवाहरलाल नेहरू तो वॉइस रॉय कभी बने ही नहीं तो जवाहरलाल नेहरू तो, तो, तो वो हैड हो ही नहीं सकते तो ऑप्शन ये गलत हो गया अपने आप ठीक है और वैसे भी ये क्वेश्चन ए बी सी डी वाला स्टेटमेंट वाला नहीं है तो मेरे को बाकी के स्टेटमेंट्स नहीं भी पता तब भी मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर ये ठीक है लेकिन फिर भी ऑप्शन भी, भी, भी बिल्कुल करेक्ट है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के और जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स थे वो वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स थे ठीक है सो इंटरिम गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आपका डी स्टेटमेंट था वाइस रॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बनाया गया अब इंटरिम गवर्नमेंट के यहाँ पर मैं आपको पोर्टफोलियोस दिखा रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस को हैंडल कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट था राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर था डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाइज जगजीवन राम के पास लेबर था सरदार बलदेव सिंह के पास डिफेंस सी एच बाबा के पास वर्क्स माइंस एंड पावर ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके अंदर से आपसे वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है उसके बाद लियाकत अली खान मुस्लिम लीग से से थे जो फाइनेंस अब्दुल राब निश्तार पोस्ट और एयर इनके पास था आसफ अली के पास रेलवे और ट्रांसपोर्ट राजा गोपालाचारी के पास एजुकेशन एंड आर्ट्स आई आई चुनरीगढ़ के पास कॉमर्स गजनफर अली खान के पास हेल्थ और जोगिंदर नाथ मंडल के पास लॉ था यार ये ना कुछ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चंस पता नहीं क्यों मैं खा गया हूं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन खा गया हूं मैं चलो कोई बात नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कमेंट्स ऑन इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट गिवन था मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कि क्या कमेंट था और आपसे पूछा गया था कि ये कमेंट किसने पास किया है तो यहाँ पर मैंने ना कंपाइल कर दिया है इंडिया के फेडरलिज्म के ऊपर जो भी कमेंट आए हैं ना कि क्वासी फेडरल ये वो मैंने सारे यहाँ पर कंपाइल कर दिए हैं वो याद कर लेना ताकि आप इजीली उसको कवर अप कर लो सो so, सबसे पहला कमेंट uh, है केसी हुए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन किया क्वासी फेडरल जैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता दैट हु कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल निजे चार एक्सपर्ट्स uh, के नाम दे देगा और आपको आंसर बताना होगा तो uh, केसी भाई साहब क्या बोलते हैं कि इंडियन यूनियन जो है ये एक यूनिटरी स्टेट है और इसके अंदर सब्सिडेरी फेडरल फीचर्स हैं कंप्लीट फेडरल स्टेट नहीं है ठीक है तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉसि फेडरल के संतनम ये क्या कहते हैं दैट इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शन एज ए यूनिटरी स्टेट दो द यूनियन एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज अ फेडरेशन तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं कि देखो प्रैक्टिकली तो ये यूनिटरी स्टेट है लेकिन जो यूनियन है यानी कि केंद्र सरकार है और जो राज्य हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मली और लीगली एक फेडरेशन की तरह काम करें पॉल एप्लीबी कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सट्रीमली फेडरल है मॉरिस जॉन्स कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है स्टेट्स को बहुत सारे एरियाज में बार्गेनिंग पावर गिवन है ठीक है जो इसको एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म का शेप देता है उसके बाद आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं ठीक है तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेनली फेडरल है लेकिन इसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं जो नेशनल यूनिटी और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूनिट्री है सेंस में एलेक्जेंडर कहते हैं कि इंडिया जो है इट इज केस सुई जेनरिस्ट केस सुई जेनरिस्ट क्या होता है यूनिक इन करेक्टर ठीक है यूनिक इन करेक्टर है ग्रैनविल ऑस्टिन ये बोलते हैं इंडियन फेडरलिज्म को एज कॉपरेटिव फेडरलिज्म ओके सो ही डिस्क्राइब द इंडियन फेडरेशन एज अ न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया स्पेक्युलर नीड्स डायरेक्ट क्वेश्चन ये पेपर के अंदर पूछे जाते हैं तो जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं और जो भी आपके एक्सपर्ट्स uh, हैं उनके नाम जरूर याद रख लीजिएगा आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए कोई सजेशन हो कोई शिकायत हो तो उसको भी कमेंट कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लि लिंक है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे या मेल भी कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय